सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू मिर्च मसाला विद शमीम। आज हम लच्छा चिकन पकौड़ा बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार है, क्रिस्पी है, तो बनाना भी आसान है, तो बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह ये रेसिपी। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून हमने बेसन लिया है, बारीक पिसा हुआ बेसन है, ये बाउल में ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, तो आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं मिर्चें, अगर आपको तेज़ खानी है तो थोड़ी और डाल दें। 1 टीस्पून नमक है, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से डालें। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, जो सूखा धनिया होता है उसको पिसा हुआ, ये वो ऐड करेंगे इसमें। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, तो ये सब इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। 1/2 किलो चिकन लिया है, ये चिकन ब्रेस्ट है, इसके हमने ऐसे पीस कर लिए, तो ऐसे पीस करने हैं आपने। 1/2 किलो है ये, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। टू टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस है, ये इसमें ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है, 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट है, तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको कवर करके फ्रिज में रख दें 20 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम इसके पकोड़े बनाएंगे। लच्छा पकोड़ा के लिए हमने आलू लिए हैं 5, तो इसको छील लिया, तो अब इसको निकाल लेंगे, ऐसे कद्दूकस में निकाल लें या छुरी से बारीक काट लें, जैसे भी आपको सही लगे। आलू सारे हो गए हैं, तो अब हमने इसका पानी निकाल लेना है आलूओं का, ऐसे करके। फोर टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च डालेंगे इसमें। थ्री टेबल स्पून मैदा डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके पकौड़े बनाएंगे। अब ये ऐसे आलू लेंगे, इसमें चिकन डालेंगे, थोड़े से ऊपर आलू डालेंगे ऐसे, और हल्का सा प्रेस करेंगे इसको, तो फिर ऑयल में डाल देंगे। अब इसको हल्का सा पलट दें आहिस्ता से। पकौड़े तैयार हो गए हैं ये, अब इसको ऑयल निकाल लें, पेपर टॉवल पे डाल लें ऐसे। देखो कितने प्यारे बने हैं,
आलू को थोड़ा ही लें, ज़्यादा ना लें आलू, तो उससे ज़रा फिर मोटे बनेंगे। तो थोड़े से बस ऊपर डालें आलू को, थोड़े से ऐसे डाल के लच्छा पकौड़े तैयार हो गए हैं। अभी डिश आउट करेंगे इनको। अब सॉस बनाएंगे, थोड़ी मेयो डालेंगे इसमें प्याले में, थोड़ी सी हॉट सॉस डालेंगे, ये इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, ऐसे ही बनाएं। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड में, और अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आप सब अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।